अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जुम्मे के रोज़ पेरिस के अंदर डॉक्टर मेरकस की जेर सदारत इजलास हुआ FATF का, जिसके अंदर ये फैसला किया गया कि पाकिस्तान को मजीद फरवरी 2021 तक ग्रे लिस्ट के अंदर रहना पड़ेगा। इस हवाले से डॉक्टर मेरकस ने अपने रिमार्क देते हुए पाकिस्तान की कारकर्दगी को काबिल इत्मीनान करार दिया और कहा कि 27 नगादी एजेंडे में से पाकिस्तान ने 21 नगादी एजेंडे पर अमल करके दिखाया है, लेकिन साथ ही उन्होंने पाकिस्तान से डूम मोड़ का मुतालबा करते हुए इसको ग्रे लिस्ट के अंदर बरकरार रखा। इस हवाले से पाकिस्तान के नुमाइंदे जनाब शाह कुरैशी साहब, जो कि वज़ीर ख़ारजा हैं, उन्होंने रद्दअमल देते हुए कहा कि ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी सफारती कामयाबी है। जिस तरह भारत पाकिस्तान के खिलाफ ब्लैक लिस्ट में ढकेलने की लॉबिंग कर रहा था FATF के अंदर, साथ ही हुकूमत ने इस सारे मामलों के अंदर अपनी तमाम तर कार्रवाइयाँ तमनाएँ सिर्फ कर दी और पाकिस्तान के नामवर शख्सियत डॉक्टर हाफिज़ मोहम्मद सैद पर पाबंदी लगा दी, जिन पर ये इल्ज़ाम था कि वो भारत के अंदर मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं और दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलविस हैं। अलबत्ता भारत इस हवाले से कोई शवाहद फराहम नहीं कर पाया। इस सिलसिले के अंदर कानून असम्बली के अंदर कानून भी पास हुए, जो कि जिस हवाले से पाकिस्तान की आवाम को बहुत कहने के तहफात भी रहे, लेकिन हुकूमत ने ये बिल पास करवा के दिखाए। साथ ही अगर हम इस हवाले से बात करें कि इस दौरान बड़ी यानी कि गर्दिश मीडिया के अंदर यानी कि बेबुनियाद झूठी खबरें गर्दिश करती रहीं, जिसमें एक खबर ये भी थी कि सऊदी अरब, जो कि पाकिस्तान का हमेशा से दोस्त रहा है 1947 से, वो पाकिस्तान के खिलाफ वोट दे दिया है। दूसरी झूठी खबर ये थी कि पाकिस्तान को कहा जा रहा है कि वो इसराइल को तस्लीम कर ले, अगर वो इसराइल को तस्लीम कर लेता है तो ये FATF का अजाब उस पर से अड़ी आएगा। अलबत्ता दोनों खबरें झूठी साबित हुई और ये दोनों खबरें देने वाले एयरवाइन न्यूज़ के एंकर जनाब साबिर शागिर साहब थे, जो कि अपने आप को एक तज़िया निगार कहते हैं। साथ ही इस हवाले से भारत ने पाकिस्तान के अंदर अदम इस्तेकाम की भरपूर कोशिश करी। मुहर्रम अलहराम के अंदर पाकिस्तान में मुकद्दस अशखास की तोहिन की गई, जनाब पैगम्बर रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम के साथियों की यानी कि उन पर उनकी गुस्ताखी की गई और कोशिश की गई कि पाकिस्तान किसी तरह फिरका वायरस के अजाब में झुलस गया। इस हवाले से बैनुल अक़वामी साजिश की मंजर आम पाई और बिलखसूस भारत इस सारे मामले में मुलव्वस रहा। मुहर्रम अलहराम का प्लान फ्लॉप होते ही उसने एक इंतहाई मकरूह और एक इंतहाई गैर मुतवक्का चाल चली, वो ये कि पाकिस्तान के अंदर उलमाए कराम की ऐसे टारगेट किलिंग शुरू करवा दी। इस सिलसिले में अहले सुन्नत वल जमात के नामवर आलिम डॉक्टर आदिल खान शहीद रहमतुल्लाह अलैह को टारगेट किया गया और उनको कराची के अंदर बेदर्दी के साथ उनके ड्राइवर के हमरा शहीद कर दिया। इस सिलसिले के अंदर पाकिस्तानी सरकार ने भी गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया और उलमाए कराम जिनको थ्रेट थे इस हवाले से उनसे सिक्योरिटी वापस ले ली गई, लेकिन उलमाए कराम एक सिसा प्लाई दीवार बन के सामने रहे और गुस्ताखे साहबा के खिलाफ एक भरपूर जो उन्होंने मास कैम कर रखा था वो जारी रखा। साथ ही जिन भाइयों को ये नहीं मालूम कि FATF क्या है, उनके लिए ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन पेश करता चलूँ कि 1989 के अंदर G7 ग्रुपों ने एक तंजीम बनाई जिसका नाम था FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इस फोर्स का काम महज इतना है कि ये मनी लॉन्ड्रिंग को मॉनिटर करती है और दहशतगर्दी के मामलों को मॉनिटरिंग करते हैं, कौन से देश का पैसा किस काम के अंदर और कितना पैसा किस देश का बाहर जा रहा है। इस सिलसिले के अंदर इस FATF की बहुत सारी ममालिक ने उसको ब्लैक लिस्ट भी किया और पाकिस्तान समेत जिम्बाब्वे, अल्बेनिया और दीगर ऐसे ममालिक जो कि जिनके ऊपर ये शुबा है, जो कि वॉच लिस्ट के अंदर वॉच डॉग के अंदर हैं, उनको ग्रे लिस्ट किया गया है, जिनके तादाद 17 है। इस हवाले से फरवरी 2021 के अंदर पाकिस्तान की कारकर्दगी को देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान ने इस हवाले से क्या मौसर यानी कि इकदाम किए हैं, जो कि फैसला करेंगे कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखना है या फिर इसको वाइट लिस्ट में करना है। अब तक के लिए इतना ही। वीडियो का इख्तिताम इस दुआ के साथ, अल्लाह ताला पाकिस्तान पे से जल्द अज जल्द FATF का ये अजाब हम पे से डाले, ताकि पाकिस्तान को जो नुकसान इस सूरत हाल में बर्दाश्त करना पड़ रहा है वो नहीं करना पड़े। इस सिलसिले के अंदर पाकिस्तान पे मजीद घेरा तंग किया जा रहा है आलमी क़ुव्वतों की जानिब से। पाकिस्तान की तजारत महदूद है, पाकिस्तान की इनकम महदूद है, जो कि बैनुल अक़वामी सतह पर होती है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अपने मेज़बान उसामा शेख को दीजिए इजाज़त।